हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आज की ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और अभी हो गया शाम का समय, तो आपको तो पता ही है शाम का समय हो गया है, मतलब मैं कहीं जा रही होंगी, है ना। और मैं जा रही हूँ एकदम घूमने, और ये मुझे घुमाने ले जा, आज ये मुझे क्रिस, देखो देखो आ ही नहीं रही आदमी। गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। मैंने विश कर दिया, बक्कू आप भी कर दो, ठीक ठीक है। और हम जा रहे हैं अभी बाहर, और मैं खाऊंगी पानी पूरी, और ये दूध की डल्लू ले ली है, और आपको बताइए ये वहां रखूंगी, फिर मैं जाऊंगी, ठीक है गाइस। पानी पूरी खा के आती हूँ, बताती हूँ कितनी टेस्टी थी। हाँ, टाटा बाय बाय। अभी काम करने के लिए कैसे बोले? तबीयत अरे खराब। गाइस, मुझे सर्दी हो गई है, और मैं अभी अभी पानी, आवाज कैसे आ रही और तेरी? जब मैं पानी पूरी खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पानी पूरी से पहले डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप पानी पूरी खाओगे तो आपको फिर विटामिन्स मिलते रहेंगे। वो जो हाथ में मैल के साथ वो जो पानी में हाथ हाँ, उन्होंने घुलता है वो बोला विटामिन कि जितने जरूरी भी विटामिन्स है आपको कहीं मतलब कमजोरी नहीं लगेगी, ऐसा और बोला सूखी पूरी है। खाने से पूरा एनर्जी बूस्ट हाँ, होगा। और गाइस, मैं उसी पानी पूरी वाले के यहाँ जाती हूँ जो मुझे सूखी पूरी देता है, वो भैया देते हैं, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगी, ठीक है गाइस। चलो चलते, आपको भी दिखाते कहाँ पानी पूरी खाऊंगी। और गाइस, हम लोग आ गए हैं बाहर, और पता है यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, जो सबसे बड़ा टास्क है इस कुलिया से निकलना। अगर आप यहाँ से निकल जाते हो, इसका मतलब ये है कि आप पतले हो, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि मैं पतली हूँ। ये देखो, मैं निकल रही हूँ, देखो 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 देखो, मैं निकल गई, निकल गई ना गाइस। इसका मतलब यही है कि मैं पतली हूँ, और मेरे पति देव यहाँ से नहीं निकल पाते हैं, तो आप समझ सकते हो ये आदमी उस कुलिया से नहीं निकल पाता। बता दो बिल्कुल, नहीं निकल पाते ना, ये नहीं निकल पाते गाइस, सिर्फ मैं निकल पाती हूँ। हाँ तो तू उसके नीचे से निकल और जाती इस है। कुलिया का एक ही रूल है, जो मोटा होगा वो फंस जाएगा, तो ये फंस जाते, मैं नहीं फंसती, ठीक है। और गाइस, अभी शाम को बज रहे हैं 6, और हम लोग निकल चुके हैं। आजकल पता है, पहले शाम को बज रहे 6, हमारे बज गए 12। हाँ, क्योंकि भैया मेरे बज रहे हैं 12, मुझे क्योंकि सर्दी खांसी हो गई है, और हल्का हल्का मेरा थोड़ा सा। और गाइस, मुझे पूरी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत मिस करती हूँ मैं, लेकिन जब जब मैं भैंसे को नहाते देखता हूँ पानी में। हाँ, जब जब मैं किसी जानवर को या भैंस को पानी में नहाते देखती हूँ, तो मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं। हर हर महादेव, ये मंदिर है हमारे यहाँ शिव जी का एक, और मुझे पुरी की बहुत 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 ज्यादा याद आ रही है। तो गाइस, आप रोड पे जो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक चर्च है, तो बस सब चर्च में शाम को फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे ही सब आए हुए हैं। तो और हमारे हमारा जो वो है ना, हमारा जो धर्म है या हमारे इंडिया में, हाँ, वो लोग क्या औरतों के साथ, उनको बेचारे को घूमने का एक बहाना चाहिए। हाँ, ये भी अब वो है। कोई फेस्टिवल हो ना, वो बाहर बच्चों के साथ निकल जाते हैं। हाँ लेकिन हाँ मोस्टली मेल क्या होते हैं, वो अब हम लोग के जॉब में तो इतना टाइम रहता नहीं ना कि घुमाओ। हाँ हाँ, वो तो बाद में थोड़ा सा घुमा हाँ दे तो उसका अपना वो चलता है। लेकिन इतना बड़ा गाइस, यहाँ पे आए हैं हम लोग। आप ये जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, कितनी सुंदर सुंदर, ये बियर बार है, बट यहाँ पे बियर्स मिलती हैं, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, और यहाँ पे ये भरवा रहे हैं पेट्रोल। देखो गाइस, हाँ हाँ आप देख सकते हो, एक पेट्रोल वाले जो भैया हैं, इनकी स्कूटी खराब हो गई ना, इनकी हेल्प कर रहे हैं। आज ये लड़की है तो इनकी हेल्प कर रहे हैं। यहीं पे लड़का उधर लात मार के भैया गाड़ी साइड में लगवा देते, बोलते तुम तो आगे गाड़ी लगाओ, भैया पेट्रोल में देख रहे हो कितनी भीड़ है। बस ये है कि जिंदगी में पता, लड़की होने का यही एडवांटेज है। ये देखो, अरे कितनी हेल्प कर रहे थे बेचारे। अब देखो गाइस, एक आदमी ने हेल्प कर दी, अब दूसरा आदमी खड़ा हो गया। यहीं एक लड़का होता ना तो कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही, बट ठीक है। और यहाँ पे ये पेट्रोल भरवा रहे हैं, और ये देखो, हेल्पिंग इज वेरी गुड थिंग, बट ओनली फॉर द गर्ल्स इज नॉट गुड। यहाँ पे मैं भरवा रही हूँ गाड़ी में हवा, और ये कुछ काम से गए हुए हैं, मैं भरवा रही हूँ गाड़ी में हवा। शाम के टाइम में अभी मैं हूँ पेट्रोल पंप पे,
अभी जिस रोड से आ रहे थे वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ पे एक क्या है चर्च है और एक क्रिश्चियन का स्कूल है, और ये सब देख के मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। गाइस ये देखो यहाँ पे इतनी भीड़ है, पता है मैं यहाँ पे बहुत अच्छे भैया हैं, वो बहुत अच्छी पानी पूरी देते, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे एक चर्च है ना, तो सारे सभी लोग यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे भी जाना था लेकिन हम लोग नहीं जा रहे। देखो ये वाले भैया पानी पूरी वाले, देखो कितनी भीड़ है भैया की दुकान पे, मुझे यहीं पानी पूरी खानी थी बट भीड़ के कारण अब नहीं खा रही हूँ। और तो कहाँ खाएगी गाइस, पता है हमारा ऐसा आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा डांस कर रहे बच्चे, मुझे ये सब देख के अपने स्कूल की याद आती है। DPS में इतने अच्छे फंक्शन होते हैं ना। गाइस दिखाती हूँ, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन, क्रिसमस का फंक्शन हो रहा है। दोस्त से मिलने से बाहर आने की कोशिश कर रहा है बट बेचारा आ नहीं पा रहा। यहाँ झगड़ा हो रहा है ना इसीलिए ये कुत्ता। हाय डॉगी। और गाइस हम अपनी पानी पूरी खाने आए हैं, ये हमारी फेवरेट दुकान है। और भैया हमारे यहाँ आज वो नहीं है, क्या बोलते हैं ऐसा जो होता है ना, क्या बोलते इसको, ओखली। हाँ तो हम इसी जुगाड़ से अपना काम चला रहे हैं, इसी जुगाड़ से हम लोग इलाहाबाद में पहुंचते थे। हाँ क्या जब खड़ा मसाला आपके पास पूछने के लिए कोई यंत्र ना हो। अब देखिए क्या खुशबू आ रही है, इसको क्या करो तावे पे पहले गरम। हाँ फिर हो जाए ऐसा, फिर ग्लास में डालो, फिर बेलन। ये वो दूसरा वाला बेलन कहाँ गया, फेंक दी ना। हाँ टूट गया था, टूट गया था। पाउडर का रूप ले लेगा आज। गाइस पता है मेरी मसाले की सब्जी इसलिए बन रही है क्योंकि मैडम को आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो गई है, सिर दर्द हो रहा है और थोड़ा सा चटपटा खाने का मन है। वो तो मेरा रोज ही रहता है, अभी मैं पानी पूरी खा के आई पता है, लेकिन आज मैं बोल रहा था और खाएगी लेकिन तुम मना कर। ये इतने होशियार हैं, मतलब ये आदमी गाइस इतना होशियार मैं क्या ही बताऊं आपको। मैं रोज जब पानी पूरी खाती थी, मैं तेरे जैसी औरत के साथ अगर होशियार आदमी की शादी ना हो ना तो खेत बेच के गोलगप्पा खा जाए। सही बता रहे। आज जब उनको पता था ना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं खाऊंगी नहीं, तो मुझसे क्या बोलते, खा लो और खाओगी। नहीं भाई मैं दिल से डिस्काउंट दे रहा था। और जब तबीयत खराब रहती है तो वैसे कोई कुछ नहीं खाने का मन करता। इनको तो मास्टर शेफ की नौकरी वोकरी लगवा दे क्या। वही वो जो ट्रेन में मैं बस बीटेक करके इंजीनियर नहीं बनता। हाँ। बन गया। वो जो ट्रेन में खाना नहीं बनाते भैया, कितना गंदा खाना बनाते वो है।
इनको वही लगा दे रहे तो सबको खाना भी बढ़िया मिलेगा। गाइस जैसे कि आज क्रिसमस है तो अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे कि जो भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं या इंटरनेशनल स्कूल होते हैं वहाँ पे फंक्शंस वगैरह चलते, क्योंकि जो ये नवंबर दिसंबर का मोस्टली दिसंबर का टाइम होता है सभी जगह एनुअल फंक्शंस होते हैं। और जो मतलब अच्छे इंटरनेशनल स्कूल हैं अगर जो भी जैसा है वो लोग क्रिसमस भी बहुत अच्छे मनाते हैं। तो आज मुझे अपने स्कूल की याद आ रही थी, मैंने कहा यार DPS में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद 15 या 20 दिन की छुट्टी पड़ती है क्रिसमस की। तो अभी मैं देखती हूँ कि लोग एनुअल फंक्शंस में अपना स्टेटस लगाते हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जो जॉब कर रहे हैं अभी भी वो सारे मोमेंट मतलब एक मस्ती रहते हैं। टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है, बच्चों को डांस प्रैक्टिस कराओ, ये प्रैक्टिस कराओ, वो कराओ, फिर मेकअप करो, फिर ये करो, फिर वो करो, मतलब तो बस यही सब चीज़ें याद आ रही थी। और धीरे 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 ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड के साथ साथ तबीयत भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और मैं तो न्यूज़ में देखा है कि कहीं कहीं कोरोना वायरस भी आ गया है, तो सेफ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी बना रहे हैं रात का खाना, और बना रहे हैं मटर पनीर ग्रेवी एकदम मसाले वाली और रोटी, बस सिंपल खाना।